बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में, अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा, अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय पूरा पोस्टर लगाया हुआ है, उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को बाहर निकालो, तमिल वाले के लिए तमिल नौकरी है, यहाँ ओनली तमिल वाले के काम करेगा, हिंदी वाला नहीं काम करेगा। माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना, वो मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग एक साथ में थे ना, बहुत 20-25 आदमी, इसलिए हम लोग निकल भी गए रात को 1 बजे, रात को गाड़ी भरा किए, उसके बाद हम लोग 4 बजे ट्रेन था तो निकले। उसके बाद ट्रेन में भी हम लोगों को दिक्कत हुआ है, ट्रेन में भी भगाया है, बिहारी हो या उड़ीसा हो कहीं का भी हो, हिंदी बोलता बात करता है, उसको जो हिंदी बात कर रहा है उसको टीटी उतार दे रहा है, ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है टीटी, जितने हिंदी वाला है सबको, और तमिल वाला बैठ रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है, तमिल वाला को बैठा के ले जा रहा है, और हिंदी वाला को ट्रेन में चढ़ते उतार दे रहा है, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे रहा है। हम लोग घुसे ट्रेन में, तमिल वाला बोलने लगा है पोरा पोरा पो, वो सब एकदम धांधलिंग करने लगा, हम लोग निकल गए बाहर। हम लोग वहाँ जाने का नहीं है, हम लोग को उतना दूर जाके 20,000-22,000 रुपया कमाने के लिए हम नहीं जाएंगे, हमको मजदूरी यहीं पे चाहिए। बिहार और देश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे पीछे देखिए कि ये तमिल से बिहारी बच्चे जो मजदूरी करते थे, जैसे तैसे यहाँ पे पटना जंक्शन पहुंचे, पटना जंक्शन पे इस वक्त मौजूद है, क्या मुसीबत आ गई आप लोगों पर? वहाँ पे यही है कि वहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोग तमिल में कहाँ थे? तमिल में हम सेलम में थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे कि ये कांड हुआ तिरुपुर में, कांड हुआ जब तिरुपुर में कांड हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, सब तरफ फैलते गया, जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है उसको, हिंदी बोलने पर अब तो ये पता, आधार कार्ड देखकर पता चला, कारण पता नहीं चला है, कारण ये पता चला है कि वहाँ पे हिंदी वाला का काम नहीं, तमिल वाला काम करेगा, सिर्फ यही पता कारण चला, और कुछ भी नहीं। मतलब जो भी गैर तमिल भाषा का है उसको भगा दो, तमिल नहीं हिंदी भाषा का जो भी है उसको भगा दो, तमिल वाला है वो काम करेगा अपना, यहाँ पे हिंदी वाला कोई काम नहीं है। आप लोगों को कब पता चला? हम लोग बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में, अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा, अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय। रहने वाले हम बिहार के रहने वाले, तमिल में हम तमिल में करीब 5 साल से हैं, 5 साल से थे, अचानक से काम छोड़ के भागना पड़ा, अचानक से देखिए हम लोग का कैसा स्थिति में भागे हैं, कैसे पहुंचे वहाँ से पटना, वहाँ से पटना कैसे आ गए? हम लोग रात में बस रिजर्व करके घर से पैसा मंगा के, हम लोग का पास में पैसा नहीं था, फोन में पैसा मंगा के हम लोग बस के ड्राइवर के ऊपर हम लोग क्या बोला फोन पे किए, उसके बाद ड्राइवर बस ड्राइवर हम लोग का कैश दिया, उस पैसा से हम लोग कैसे कैसे आ रहे हैं ट्रेन में, अपना खाते खाते टिकट कटाते, बहुत बहुत दिक्कत से हम लोग आ रहे हैं उधर। हम लोग बिहार मुजफ्फरपुर जिले से रहने, क्या करते थे वहाँ पे? हम लोग धागा फैक्ट्री का काम करते हैं। कितना मिलता होगा महीने का? हम लोग का वही मिल जाता है 22,000। 22,000 के लिए जान जोखिम में डाल के यहाँ से कई हजार किलोमीटर आप लोग थे तमिल में, तो जाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है ना, यहाँ पे काम ही नहीं ना, तब तो जाना पड़ता है ना वहाँ, यहाँ पे काम रहता तो हम लोग क्यों जाते वहाँ, यहाँ के सरकार है क्या कर रहा है क्या नहीं, उधर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ का, वहाँ का अभी माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना, वो मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग एक साथ में थे ना, बहुत 20-25 आदमी, इसलिए हम लोग निकल भी गए रात को 1 बजे, रात को गाड़ी भरा किए, उसके बाद हम लोग 4 बजे ट्रेन था तो निकले। उसके बाद ट्रेन में भी हम लोगों को दिक्कत हुआ है, ट्रेन में भी भगाया है, ट्रेन में भी भगाया है, और टीटी था और पुलिस प्रशासन था और वहाँ का पब्लिक भी था, वो सब हम लोगों को बैठने नहीं दिया और निकाल दिया बाहर। ठीक है, बाहर निकालने के बाद हम लोग जैसे तैसे करके जर्नल में आए हैं, जर्नल में आने के बाद हम लोग रांची से चेंज कर, हिंदी बोलने वाले को बिहारी हो या उड़ीसा हो कहीं का भी हो, जो हिंदी बोलता बात करता है उसको, जो हिंदी बात कर रहा है उसको। तो यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश के लोग उनको वोट करके राजा बनाए हो, कुछ नहीं कर रहे इसके लिए? वो तो वही ना देखेंगे, हम तो अभी तक एक देख रहा है, कोई नहीं बचाने जा रहा है। कल गए थे तेजस्वी यादव केक में, जो है के तमिल के मुख्यमंत्री है, उनके साथ केक काट के खा रहे थे, तो कल गए थे तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, हम लोग तो ट्रेन में थे ना, अभी न्यूज व्यूज पे आएगा तो देखेंगे, कल को पता है कि वहाँ पे गया है। मुख्यमंत्री आपस में दोस्त है और प्रदेश वालों को मारा जा रहा है, दोस्त है तो क्यों मारा जा रहा है ना, तो यही सब का चाल होगा ना, हम लोग हमको हम लोग को कितना पता है, हम लोग तो मजदूर आदमी, हम लोग कितना जानेंगे, जो मीडिया वीडियो स्टूडियो देखते हैं कुछ कुछ पता चलता है। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को तमिल में? हम लोग का दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग वहाँ जाने का नहीं है, हम लोग को उतना दूर जाके 20,000-22,000 रुपया कमाने के लिए हम नहीं जाएंगे, हमको मजदूरी यहीं पे चाहिए। श्री नितेश कुमार थे, हमको मजदूरी यहीं पे चाहिए, बिहार में हम लोग यहीं पे करेंगे। हमने 3,000 किलो से थे तमिल में, मेरा हो गया 8 साल वहाँ, हो गया 8 साल से वहीं रहते हैं, हमें 8 काम करते हैं, वो धागा लाइन का है, धागा फैक्ट्री में काम। हाँ,
अभी अचानक से क्या हो गया कि भागना पड़ा वहाँ से? प्रशासन देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। देख लेगा कि ट्रेन में चल रहा है तो ट्रेन में से उतार के नीचे रख देगा। टीटी उतार दे रहा है, ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है टीटी। जितने हिंदी वाला है सबको, और तमिल वाला बैठ रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है, तमिल वाला को बैठा के ले जा रहा है और हिंदी वाला को ट्रेन में चढ़ते उतार दे रहा है, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे रहा है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, बिहार सरकार आप लोग के लिए क्या करे? हम यही चाहते हैं कि यहीं पे फैक्ट्री कुछ बनवाइए, मजदूर लोग यहीं पे कमाएगा, दूसरे शहर में जाने का जरूरत नहीं है। अभी तो आप अचानक से बेरोजगार हो गए ना जी? अभी हो गए ना, तो अभी तो क्या करें, जब यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, घर पे रहेंगे ना। 8 साल से थे, कोई पहले ऐसा कुछ मामला हुआ था जिस वजह से अचानक से ऐसा हुआ? पहले से तो कुछ मामला नहीं हुआ था, अभी फिलहाल में 2-3 दिन में ऐसे काम हुआ है तो हम लोग के कहा जा रहा है कि जो हिंदी बोल रहा है उसको मार भगा दो। हाँ यही बात हो रहा है, जैसे कि गया वहाँ पे रूम पे, ट्रेन में गया ऐसे बोल रहा है कि हिंदी मारने लगा। देश के प्रधानमंत्री उनके लोग हैं मोहन भागवत, ये लोग बोलते हैं कि अब जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो हिंदी में कराई जाए, हिंदी भाषा में कराई जाए, और हिंदी बोलने वाले को काटा जा रहा है। ये सब बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी देश में। हम लोग चाहते हैं यही कि यहीं पे कुछ रोजगार दिया जाए, हम लोग यहीं पे करेंगे। हम लोग मजबूरी यहाँ से, हम लोग वहाँ गए 3000 किलोमीटर गए हैं। क्या कहिएगा दोस्त, कब से काम कर रहे थे आप तमिल में? 7 साल से हम काम कर रहे हैं। कब चले थे वहाँ तमिल से पहुँचे पटना? वहाँ से हम 4 बजे भोर में धरे थे गाड़ी। खाना पीना हुआ रास्ते में कुछ या भूखे प्यासे चल दिए? खाना उना खाए, मतलब कि पहले ट्रेन धरे तो ट्रेन में गए, बहुत भीड़ था, तमिल वाला हम लोग घुसे ट्रेन में, तमिल वाला बोलने लगा पोरा पोरा पो, वो सब एकदम धांधलिंग करने लगा, हम लोग निकल गए बाहर। अब नाम क्या आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, आपका क्या नाम है? रंजीत नाम है। 3 दिन से आप लोग चले हैं तमिल से? चले हैं 2 दिन तो भूखे रह गए, कुछ नहीं मिला रास्ते में खाने, रास्ते में मिला पैसे नहीं था, भागने मजदूरी छोड़ करके भागे। हाँ मजदूरी छोड़ के भागे। पूरा पोस्टर लगाया है महानगरी जिला में, पूरा पोस्टर लगाया हुआ है, उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को बाहर निकालो, तमिल वाले के लिए तमिल नौकरी है, यहाँ ओनली तमिल वाले के काम करेगा, हिंदी वाला नहीं काम करेगा।